उत्तर प्रदेश में आज से कई जगहों पर लॉकडाउन खत्म होने वाला है। सरकार ने रविवार को नई गाइडलाइन जारी कर बताया कि कई इलाकों में लॉकडाउन में अब ढील दी जाएगी। इसी के साथ अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे, तो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का भी भक्त आज से दर्शन कर पाएंगे। हालांकि विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के कपाट 2 तारीख को खुलने वाले हैं। यूपी में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के फैसले के साथ ही भक्तों के लिए आज से खुलने जा रहे हैं आस्था के दरबार। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के चलते अब तक जो भक्त मंदिर आकर अपने आराध्य का दर्शन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए अब खुशखबरी है। हालांकि भक्तों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही मंदिरों में प्रवेश मिलेगा। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के कपाट आज से भक्तों के लिए खुल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही भक्त अब बिहारी जी के दर्शन कर पाएंगे। दर्शन का समय भी सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक है। दर्शन करने के लिए मंदिर आने वाले भक्तों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। इसके तहत भक्तों को आधार कार्ड ले जाना होगा, साथ ही वीकेंड लॉकडाउन के चलते शनिवार रविवार को भक्त दर्शन नहीं कर सकेंगे। वृंदावन का इस्कॉन मंदिर भी आज से कृष्ण भक्तों के लिए खुलने जा रहा है। यहां सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक भक्त अपने आराध्य का दर्शन कर सकेंगे। भक्तों का मंदिर में प्रवेश गेट नंबर 2 से होगा। इतना ही नहीं, आज से ही वृंदावन में प्रेम मंदिर के पट भी भक्तों के लिए खुलने जा रहे हैं। हालांकि मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के द्वार आम भक्तों के लिए 2 जून से खुलेंगे। इधर राम नगरी अयोध्या में भी आज से मठ मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए खुलने जा रहे हैं। अयोध्या में आज से राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी सहित सभी धार्मिक स्थलों के कपाट खोल दिए जाएंगे। अयोध्या में रामनवमी से पहले ही भक्तों के लिए मठ मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे। हालांकि अयोध्या के संतों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो बिना वैक्सीनेशन के मंदिर में भगवान का दर्शन करने ना आए। इसके साथ ही मंदिरों में दर्शन के लिए जो भक्त आएंगे उन्हें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। भक्त मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भगवान के दर्शन कर पाएंगे। मठ मंदिरों में एक बार में 5 ही श्रद्धालु भगवान का दर्शन कर सकेंगे। करीब 45 दिन बाद भक्त आज से मां विंध्यवासिनी के भी दर्शन कर सकेंगे। चैत्र नवरात्र के बीच में ही पंचमी के दिन से मां विंध्यवासिनी मंदिर 31 मई तक भक्तों के लिए बंद, लेकिन आज से भक्तों का मां का दर्शन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक हो सकेगा। हालांकि मंदिर आने वाले भक्तों को कोरोना गाइडलाइंस के तहत मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। टीम न्यूज नेशन।